नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुक्सा जनजाति के लोगों से की मुलाकात, जमीन के पट्टे वितरित किए। बीबीएयू का 10वां दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति ने कहा 60% मेडल और 42% डिग्री पाने वाली लड़कियां, ये खुशी की बात। लखनऊ में G20 की पहली बैठक, सीएम योगी बोले इतने बड़े प्रदेश और देश में पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। G20 शिखर सम्मेलन का हुआ शुभारंभ, वसुधैव कुटुंबम थीम पर आयोजित की जा रही G20 बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली यूपी ग्रोथ इंजन की भूमिका के लिए तैयार, इससे निवेश के रास्ते खुलेंगे। तीन दिवसीय इन्वेस्टर समिट का हुआ समापन, मथुरा में दिखाया गया लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। सोनभद्र में स्वामी प्रसाद ने मोहन भागवत पर साधा निशाना, बोली जो लोग सिर कलम करने के लिए इनाम दे रहे थे अब चुप क्यों। मध्य के बयान पर विहिप का पलटवार, कहा बोल रहे जिन्ना की भाषा, गुलदानी बालों को किया गला। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली यूपी के विकास के लिए एक इकाई रूप में काम कर रही मोदी व योगी सरकार। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर बोली स्वामी प्रसाद, कहा चमत्कारी है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। अखिलेश का बीजेपी पर वार, कहा सपा के कामों को दिखाकर मेहमानों से वाहवाही लूट रही है योगी सरकार। यती नरसिंहानंद गिरी ने अरशद मंदी पर कसा तंज, बोले इस्लाम कोई धर्म नहीं, अपराधियों का गिरोह है। कांग्रेस ने की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, 2 महीने तक हापुड़ में चलेगा कार्यक्रम, कांग्रेस की नीतियों का होगा बखान। भाजपा के पूर्व विधायक घोड़ी पर बैठकर विकास यात्रा में हुए शामिल, कांग्रेस विधायक बोले हमें बुलाया ही नहीं जा रहा। G20 डेलीगेशन ने किया ताजमहल का दीदार, ताज की खूबसूरती के कायल हुए विदेशी मेहमान। आगरा में G20 समिट हुई संपन्न, G20 प्रतिनिधि ताजनगरी से विदाई, विदाई में मंडलायुक्त जिलाधिकारी रहे मौजूद। अंबेडकर नगर में 21 जोड़ों का समाज सेवी ने किया कन्यादान, पिछले 20 वर्षों से लगातार सामूहिक विवाह कराने का कर रहे हैं काम। फिरोजाबाद में फर्चून की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, 30 से 40 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। हरदोई में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लाखों का सामान चोरी, घर के अंदर से तोड़ा दुकान का ताला, DVR भी चुरा ले गए चोर। जेल में बंद 2 बेटियों को नहीं मिली पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल, लोगों के समझाने पर किया गया अंतिम संस्कार। हर
हरदोई में चोरों की आहट पर हुई फायरिंग में गोली लगने से युवक की मौत, आधी रात को हुई वारदात। गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने कानपुर देहात महोत्सव में बिखेरे अपने सुर का जादू, हजारों की तादाद में लोग हुए इकट्ठा। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में अचानक घर में लगी आग, आग लगने से गृहस्थी हुई खाक, अग्निकांड में लाखों की क्षति। पूर्व मंत्री गुलाब देवी ने सपा पर कसा तंज, बोली लोग पुराने जमाने भूल जाए, पिछली सरकारों में नकल होती थी। रायबरेली में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में पांच लोग हुए घायल। जर्जर मकान को ध्वस्त किए जाने को लेकर नगर में मचा बवाल, पीड़ित परिवार ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली में हत्यारों ने मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ पथराव और फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों का जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश। संभल में अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क, अपराध की अवैध संपत्ति को किया गया था अर्जित। औरैया में बीएलओ के साथ मारपीट मामले में दर्ज हुआ एफआईआर, बीएलओ का आरोप गलत तरीके से वोट न बनाने पर की मारपीट। जंगल में अज्ञात महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। शहर में पेड़ पर लटका मिला अधेड़ का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पिता पुत्र समेत तीन घायल, हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार में मिले टाइम बम का बुलंदशहर कनेक्शन, आरोपी को हिरासत में साथ ले गई बिहार पुलिस, घर की तलाशी की। हमीरपुर में बाइक और ऑटो की भिड़ंत में चार लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहर में कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार नीलकंठ रवाना हुए सैकड़ों श्रद्धालु, कांवड़ियों में कांवड़ लाने के लिए दिखा उत्साह। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, टक्कर में एक कार चालक की मौके पर हुई मौत, तीन गंभीर रूप से घायल। कानपुर में मामूली कहासुनी में नशे में धुत अराजक तत्वों की मारपीट में पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में बुजुर्ग महिला हुई टप्पेबाजी का शिकार, महिला के जेवर लेकर रफू चक्कर हुए टप्पेबाज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
रिजवान सोलंकी के मामले में फरार चल रहे मन्नू रहमान की तलाश में जुटी पुलिस। मन्नू रहमान के घर में मूलगंज पुलिस ने दी दबिश। लखीमपुर खीरी में धारदार हथियार से युवक ने दूसरे युवक पर किया हमला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। लखनऊ में ट्रेन की चपेट में आकर अज्ञात युवती की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में वांछित अभियुक्त मतिन गिरफ्तार। पुलिस टीम ने 315 बोर असलाह व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ यूनिट ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार। रायबरेली में मंदिर परिसर बना अय्याशी का अड्डा। मंदिर परिसर में की जाती अश्लील हरकतें। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। रायबरेली में विद्यालय में दवा खिलाने से कक्षा 9 की छात्रा की हालत बिगड़ी। हालत नाजुक। रायबरेली में पुत्र ने पिता के साथ मारपीट की। पीड़ित पिता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए दिया प्रार्थना पत्र। सड़क हादसे में दो युवकों की मौत। आजमगढ़ में बेकाबू बोलेरो ने मारी बाइक सवारों को टक्कर। गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर। मेरठ में कंटेनर चालक ने कार की 2 किलोमीटर घसीटा। कूदकर 3 लोगों ने बचाई जान। पिलर टकरा कर रुका। जरा सी बात पर हुआ था विवाद। लव मैरिज का खौफनाक डे एंड। मेरठ में पति ने प्रेग्नेंट पत्नी को जहर देकर मार डाला। 15 दिन पहले कमरा किराए पर लिया था। रामपुर के न्यूड गर्ल का 8 करोड़ का कनेक्शन। पीड़िता बोली पति को फंसाने के लिए हाई प्रोफाइल गर्ल भेजी। महिला ने चुराई 1.25 लाख की चेन। पति पत्नी बनकर ज्वेलरी शॉप पहुंचे। चोर को अफसर समझता रहा दुकान का स्टाफ। इटावा पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चोर को पकड़ा। यात्रियों का चुराता था कीमती सामान। मैनपुरी का रहने वाला है। हापुड़ में त्योहार को लेकर ठेके पर सख्ती। एसपी ने जांची व्यवस्था। सड़क पर शराब पीने पर की जाएगी कार्रवाई। गाजीपुर में जुटे पूर्वांचल के कई जिलों में शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भारी हुंकार। उन्नाव में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा ट्रक। बाल बाल बचे। चालक और क्लीनर दोनों नशे में धुत थे। चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवर नकदी लूटे। रायबरेली में बुजुर्ग महिला को भी पीटा। हालत गंभीर। लखनऊ रेफर किया गया। विभाग की गोपनीय सूचना मांगने वाला 9 साल बाद गिरफ्तार। सहारनपुर में 2014 में लोक सेवक बनकर मांगी थी सूचना। वृंदावन के रंग में रंगा महोबा। खेली गई ब्रज की फूलों वाली होली। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भक्तिमय रहा माहौल। बागपत में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। इनामी को पैर में लगी गोली। हत्या में लूट के मुकदमे में था वांछित।
नौ में इंस्पेक्टर समेत दरोगा का तबादला, भवन सिंह मौर्य रीट सेल के प्रभारी बने, 11 सिपाहियों का भी एसपी ने किया स्थानांतरण। पूर्व विधायक मलखान सिंह का हत्या आरोपी सोनू गिरफ्तार, मेरठ एसटीएफ ने दिल्ली से पकड़ा, कोर्ट में पेशी से पहले हुआ था फरार। आजमगढ़ में हर्ष फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, एसपी बोले निरस्त होगा लाइसेंस, 3 महीने पुराने वीडियो पर कार्रवाई। मुरादाबाद में एक्सीडेंट में युवक की मौत, कटघर में रोडवेज बस अड्डे के सामने सड़क पार करते समय ट्रक ने कुचला। गाजियाबाद में जमीन खोदकर तहखाने से निकाली शराब, मेरठ मंडल में आबकारी टीमों के छापे, 1012 लीटर अवैध शराब बरामद। मेरठ में को तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, दो तस्करों के पैर में लगी गोली, 25 किलोग्राम बांस और दो तमंचे बरामद किए गए। गैस सिलेंडर फटने से दुकान में लगी भीषण आग, मुरादाबाद के बर्तन बाजार में कचौड़ी की दुकान में ब्लास्ट। प्रयागराज में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक कक्षा में लगी आग, आग लगने से फाइल समेत कई अन्य सामान जलकर हुई खाक। प्रयागराज के रिटायर्ड सीएमओ की जांच एडी हेल्थ सौंपेंगे जांच रिपोर्ट, पूर्व विधायक ने की थी शासन में भ्रष्टाचार की शिकायत। जौनपुर में गो तस्करों से मुठभेड़, फायरिंग में एक सिपाही के हाथ में लगी गोली, एक गो तस्कर पैर में गोली लगने से हुआ घायल। अमरोहा में हाईटेंशन लाइन का तार गिरने से फसल बर्बाद, 20 बीघा फैला गन्ना जलकर राख, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। मिर्जापुर में अवैध खनन जारी, पहाड़ तोड़ने की शिकायत पर पहुंचे वन दरोगा, को सटाया गया था तमंचा, नहीं हुई कार्रवाई। अमेठी में 3 लुटेरे गिरफ्तार, चोरी की एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद, पुलिस ने चलाया था धरपकड़ अभियान। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।